हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हैं। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C21 के अंदर हम कैसे स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि डुअल स्क्रीन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने फोन की स्क्रीन को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर पाएंगे, जिसमें एक में आप क्रोम वगैरह चला सकते हैं और आप एक में कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि आपका मल्टीटास्किंग थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी स्क्रीन को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आप अपने फोन के अंदर किस प्रकार से डुअल स्क्रीन जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप डुअल स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर दो एप्लीकेशन एक साथ कैसे चला सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का। लास्ट मारने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा, आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है गाइस, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है स्वाइप अप विथ थ्री फिंगर टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन मोड। यहाँ से आपको पहले इसको इनेबल करना है स्प्लिट स्क्रीन को, फिर इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है स्वाइप अप विथ थ्री फिंगर इनेबल स्प्लिट स्क्रीन। तो गाइस चलिए हम स्वाइप अप करते हैं थ्री फिंगर से। स्वाइप अप करने के बाद गाइस यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं सेकंड ऐप, क्योंकि अब यहाँ पे आप दूसरा एप्लीकेशन चला सकते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ से हम क्रोम। तो गाइस ऊपर आपका सेटिंग्स चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे आपका सेटिंग वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपका सेटिंग चल रहा है और यहाँ पे आपका क्रोम चल रहा है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर काफ़ी ईजी तरीके से ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हम होम पे आ जाते हैं अपने क्रोम के, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं A to Z गूगल से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर डुअल स्क्रीन जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर से अगर आपको एग्जिट होना है तो आपको यहाँ से मिडिल से स्वाइप अप कर देना है या स्वाइप डाउन कर देना है और आप एग्जिट हो जाते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो कर दें लाइक और हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।